भाद्रपद की अष्टमी को रात्रि के 12 बजे मथुरा नगरी के कारावास में भगवान कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे अवतार थे जो 16 कलाओं में निपुण थे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व मनाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी का पर्व 14 अगस्त को मनाया जाएगा। 14 अगस्त का ये दिन इसलिए और खास बन जाता है क्योंकि इस बार इस दिन पर रोहिणी नक्षत्र है। इस व्रत में सप्तमी सहित अष्टमी का ग्रहण निषिद्ध है। शास्त्रों के अनुसार पूर्व विधाष्टमी या तो उदय नवमी दिने मुहूर्तम पे संयुक्ता संपूर्ण साष्टमी भवेत। कला काष्ठा मुहूर्ता पी पदा कृष्णाष्टमी तिथि नवम्या सैव ग्रहण स्यात् सप्तमी संयुक्ता नहीं। आइए अब जानते हैं भगवान कृष्ण के कुछ मनोरथ पूर्ण करने वाले मंत्र। कृष्णाय नमः। यह कृष्ण का मूल मंत्र है जिसके जाप से व्यक्ति का अटका हुआ धन प्राप्त होता है। घर परिवार में हमेशा सुख संपदा बनी रहती है। गोवल भाय स्वाहा सभी मंत्रों में यह मंत्र सबसे ज्यादा असरदार है। इस मंत्र के उच्चारण के समय में एक भी अक्षर में गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसा होने से इसका असर खत्म हो जाता है। गोकुलनाथाय नमः। 8 अक्षरों के इस मंत्र का जो भी जाप करता है उसकी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पूर्ण होती हैं। इन मंत्रों का जाप करने के लिए जन्माष्टमी के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात भगवान कृष्ण के समक्ष घी का दीपक जलाएं व उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बताए गए मंत्रों का जाप करें।